माय डियर स्टूडेंट ऑफ एमबीए थर्ड सेम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट थर्ड में से आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं लेक्चर नंबर है 25 और लेक्चर नंबर 25 का जो टाइटल है वो है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टोपोलॉजी। जब हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमें एचआरएम की याद आती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की याद आती है, लेकिन जब हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हम स्ट्रेटेजिकली ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझ लेना है। जैसा कि हम देखें तो पहले हम समझेंगे रिक्रूटमेंट टोपोलॉजी क्या होती है, फिर हम समझेंगे सिलेक्शन टोपोलॉजी क्या होती है। जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट का मींस होता है कि हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई करें, तो हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या मानते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस मानते हैं। और रिक्रूटमेंट की जब हम टोपोलॉजीज़ की बात करते हैं तो हम उन सभी टोपोलॉजीज को इंक्लूड करते हैं जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट क्या हों, ज़्यादा हों। और जो हम सिलेक्शन टोपोलॉजीज की बात करेंगे तो सिलेक्शन टोपोलॉजी के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है, जो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने जो इन्फॉर्मेशंस दी हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन में जो हमने जो इन्फॉर्मेशंस दी हैं उसमें जो मोस्ट सूटेबल आपका कैंडिडेट है उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम रिक्रूटमेंट को क्या बोलते हैं, बोलो पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, और सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट को क्या किया जाता है, डिक्रीज़ किया जाता है, जबकि रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी के अंदर, जिसके अंदर जो मार्केट के अंदर जो मैन पावर है उसको ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका रिक्रूटमेंट कहलाता है। यदि हम रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज की बात करें तो उसके अंदर हम एक सर्वे देख लेते हैं। एक सर्वे था 2001 का है, वहाँ पर आप देखें 90% ऑफ द लार्ज US कंपनीज यूज द इंटरनेट एज ए रिक्रूटमेंट टूल। कि जो फॉरेन की यदि हम बात करें, यदि हम US की बात करें तो US कंपनीज रिक्रूटमेंट के समय जो आपका इंटरनेट है उसको रिक्रूटमेंट टूल को यूज़ करते हैं। और धीरे धीरे ये परसेंटेज यदि हम आज की डेट पर देखें तो मोस्ट ऑफ 100% ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको यूज़ करते हैं, और इंडिया के अंदर भी ये परसेंटेज क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखें कि रिक्रूटमेंट की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, रिक्रूटमेंट टोपोलॉजीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आता है इनोवेटिव स्ट्रेटजी। इनोवेटिव स्ट्रेटजी का मतलब ये हुआ कि जब हम इस तरीके की रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाएंगे कि जिन एप्लीकेंट्स को हम बुला रहे हैं वो एप्लीकेंट्स हमारे पास जो एक्सपीरियंस एप्लीकेंट हैं वो भी हमारे पास हों, फ्रेशर भी हों, तो हम जब हम इनोवेटिव रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हम एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस के साथ साथ हम क्या बात करते हैं, उस स्पेसिफिक मार्केट स्किल्स की बात करते हैं, उस इनोवेशन उस पोटेंशियल उस डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जो हम एम्प्लॉय के अंदर एडिशनली चाहते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हर कंपनी के अंदर आपको पता है कि जो नए रिक्रूटमेंट होते हैं उन पर फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर हमें एक्सपेंसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो पर्पज़ होता है इनोवेटिव स्ट्रेटजी के अंदर कि हम उन कैंडिडेट्स को भी हम क्या करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर अप्लाई करने के लिए हम उनको अट्रैक्ट करें जो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट हैं, स्किल रखते हैं, एक्सपीरियंस हैं। इससे होगा क्या कि जो हमारी कॉस्ट है उस कॉस्ट में हमें जो फ्रेशर्स कैंडिडेट जिनको हम हायर कर रहे थे उसी कॉस्ट में हमें ट्रेन एम्प्लॉय क्या हायर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो न्यू टैलेंट है वो स्ट्रेटेजिक चेंज जो चाह रहे हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आगे हम सिलेक्शन के अंदर इन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। ऐसे ही आपका आता है रिक्रूटमेंट के अंदर स्टेटस को स्ट्रेटजी। जब हम बात करते हैं कि जब हम एम्प्लॉई की जो रिक्रूटमेंट ओरिएंटेड वर्कफोर्स हम देखते हैं एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है और जिस वर्कफोर्स को हम क्या करना चाहते हैं, रिक्रूट करना चाहते हैं, तो जो हम पॉसिबल स्किल्स जो हैं, नॉलेज जो है हम जो एम्प्लॉय के अंदर चाहते हैं उसको हम स्टेटस को स्ट्रेटजी के अंदर रखते हैं, और हम ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिसमें हमें जो पॉसिबल जो स्किल्स डिज़ायर्ड जो ट्रेनिंग नॉलेज जो हम चाहते हैं वो हमें एम्प्लॉय के अंदर मिले। फिर आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल को मॉडलिंग थ्रू भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पे कैंडिडेट को जो हमें ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हमारी जो रिमोट लोकेशंस है, कम्युनिटी फैसिलिटीज़ है, कंपनी का जो जहाँ जिस मार्केट से हमारे पास जो सप्लाई हो रही है किसकी एम्प्लॉय की, कि वो अवेलेबल जो हमारे नीड्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हम एम्प्लॉय को हायर करेंगे उनकी जो स्किल्स है उसके बेस पर, उनकी ट्रेनिंग या नॉलेज के बेस पर उनको हम वर्क देंगे, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर भी बोलते हैं।
तो इसके अंदर इन चीज़ों को देखा जाता है कि हमें किस तरीके के एम्प्लॉई को हायर करना है जो हमारे फ्यूचर नीड को क्या करें, पूरा करें। तो ये फ्लेक्सिबल हुआ, मॉडलिंग थ्रू जिसको हम बोलते हैं, स्टेको हुआ, इसके अलावा आपका इनोवेशन स्ट्रेटजी रहा, यह आपकी रिक्रूटमेंट टोपोलॉजी है। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन टोपोलॉजी। जब हम सिलेक्शन स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आता है कि अब हम क्या करेंगे, जो जिन एम्प्लॉई को हमने हायर किया है रिक्रूटमेंट के अंदर, जिनको हमने एप्लीकेंट्स को हमने हायर किया, उनमें मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्यूचर नीड्स को पूरा करता हो, जो हम प्रोस्पेक्ट्स जो हम चाह रहे हो अपने एम्प्लॉई के अंदर, जो स्किल्स हम चाह रहे हो, उन चीज़ों को जो पूरा करता है उसको सिलेक्ट करना, और जो अनसूटेबल कैंडिडेट है उसको क्या करना, रिजेक्ट करना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब सिलेक्शन किया जाता है तो उसका पर्पस यही होता है कि हमारा वर्कफोर्स क्या हो, क्वालिटेटिव हो। हमें क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देखना, हमें मोस्ट क्वालिफाइड उस एम्प्लॉई को सिलेक्ट करना है जो ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की करंट जो वर्किंग है उसमें इफेक्टिवली वर्क करे, कॉस्ट एफिशिएंट हो और इजीली अलाइन कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के साथ। तो हम यहाँ पे ही देखते हैं कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी के अंदर, द मोस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसेंटली अडॉप्टेड ए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रेटजी दैट इज इफेक्टिव, कॉस्ट एफिशिएंट एंड ईजी टू अलाइन विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। की ऐसे एम्प्लॉई जो कंपनी की रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उन सबके साथ अलाइन हो सकें, चाहे हम वहाँ पे हम बात करें अदर एरिया की, यदि हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस की हम बात करें, हम स्मॉल कंपनी है तो वहाँ पे हम कटिंग कॉस्ट को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, फर्म को सर्वाइव करने के लिए हम इस तरीके की टेक्निक्स को यूज़ में लेते हैं जो हमें उस समय रिक्वायर है, हम कुछ चीज़ों का आउटसोर्सिंग भी करते हैं कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी के लिए हम ऑप्टिमल हायरिंग भी करते हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें कम कॉस्ट पर हमें क्या स्किल्ड एम्प्लॉय क्या है मिल सके। तो इस पूरी जो स्ट्रेटजी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो कॉस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी हमें क्या हेल्प करती है, हमें हेल्प करती है कि ऐसे एम्प्लॉई जो सूटेबल नहीं है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आ तो गई हैं लेकिन वो जो डिज़ायर जो हम चाहते हैं, स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड टुवार्ड्स वर्क जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को किसके अंदर इफेक्टिवली करने के लिए, किसकी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जो हम एचआर डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई के अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए, जो हमें कॉस्ट रिड्यूस करने में भी हेल्प करें, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करें, तो उन सब चीज़ों को हमें कॉस्ट जो आपका मिनिमाइजेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी के अंदर ध्यान रखा जाता है। ये आपकी फर्स्ट जो है सिलेक्शन टोपोलॉजी थी। फिर हम बात करेंगे इनोवेटिव स्ट्रेटजी। इनोवेटिव स्ट्रेटजी का मतलब ये हुआ कि जब जिस वर्कफोर्स की हम बात करते हैं उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी हो, और वो कहीं ना कहीं सर्चिंग फॉर क्वालिटी सच एज प्रोस्पेरिटी हो, रिस्क टेकिंग हो, तो यदि वो इस तरीके का एम्प्लॉई है, उसके अंदर ये सारी एबिलिटीज़ हैं जो हम एक अपने पोटेंशियल एम्प्लॉई के अंदर देखना चाहते हैं, वो सारी यदि हमें एम्प्लॉई को हम हायर करते समय जो हमें एडवांस में, हम यूँ कहते हैं ना स्ट्रेटजिकली, हम क्या करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर एम्प्लॉई के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या पोटेंशियल होना चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के लिए हमें इनोवेटिव स्ट्रेटजी के अंदर क्या करना होगा, इनोवेटर्स को, इनोवेटर्स टेंड टू फेवर एक्सटर्नल सिलेक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज वर्कफोर्स क्रिएटिविटी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, हमें इसको हायर करना पड़ेगा, हमें ऐसी क्वालिटीज़ एम्प्लॉई के अंदर लानी होंगी कि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रख सके, वो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट में क्या कर सके, हेल्प कर सके। तो ये इनोवेटिव स्ट्रेटजीज का पार्ट आता है। फिर आता है क्वालिटी एनहेंसमेंट स्ट्रेटजी। जब हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, एक इंटरनल सिलेक्शन या प्रमोशन जो प्रोसेस रहती है वो एम्प्लॉई को क्वालिटी एनहेंसमेंट में इंक्रीज करती है, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉई की लॉयल्टी जो है, लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, कंसर्न फॉर क्वालिटीज़ की जो नीड है, यदि वो सब चीज़ें नीड्स क्या कर रहा है, एम्प्लॉई पूरा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमें क्वालिटी एनहेंसमेंट स्ट्रेटजी में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये जो क्वालिटी एनहेंसमेंट स्ट्रेटजी हुई, इनोवेटिव स्ट्रेटजी हुई, ये हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसमें,
कोस्ट को रिड्यूस करने में, हमारी सिलेक्शन की जो टोपोलॉजीज़ हैं उनके अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में यदि हम देखें कि यदि हम सिलेक्शन करते समय कोस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी को ध्यान में नहीं रखें और इनोवेटिव स्ट्रेटजी को ध्यान में नहीं रखें, क्वालिटी एनहेंसमेंट स्ट्रेटजी को ध्यान में नहीं रखें, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमें अचीव करना चैलेंजिंग होगा। और यदि हम इन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो वो हमें ईजिली अचीव करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन टोपोलॉजीज़ को पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।